फाइनली मेरा काम हो गया। अभी मैं लास्ट वीक में भी आया था चेंबूर, जो लास्ट वीक में मेरा काम पेंडिंग रह गया था, सो इस वीक में आया मैं, मेरा काम फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत ज़रूरी थी ये काम कंप्लीट होने की, बिकॉज लास्ट वीक में नहीं हो पाया था, सो इस वीक में फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया अपना काम। सो अभी मैं चेंबूर में, आप लोग को बता दूँ, मैं घर से नहीं निकला, बिकॉज़ ये वाला घर से निकल के चेंबूर आने वाला ब्लॉग ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे पहले वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो। सो अभी आज यहाँ से अभी हम लोग को जाना है वाशी, हम लोग को इन द सेंस मे को यहाँ से अभी वाशी जाना है, एक मैकबुक प्रो देखना है मेरे को, मैकबुक का लैपटॉप, बिकॉज आप लोग को बता दूँ कि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो चुका है, सो मुझे एक नया लैपटॉप लेना है। एक मेरा फ्रेंड जो एप्पल में काम करता है, सो उसके यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन में एक मैकबुक का लैपटॉप आया है, तो उसने बोला आके तू देख ले, सो वही मैं आज वाशी में वही चीज़ देखने जा रहा हूँ, अगर पसंद आया तो ले लूँगा, नहीं आया तो कुछ और दूसरा ऑप्शन देखेंगे। सो अभी मैंने उसको बुलाया, आएगा मुझे यहाँ से बाइक से पिकअप करने, मेरे को लगा था बजा लो। सो मैं दो तीन ब्लॉग से देख रहा हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बीबीआर चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो फाइनली, सो अच्छा हुआ कि मैंने उसको यहाँ से निकलने से पहले ही कॉल कर लिया, नहीं तो मुझे यहाँ से निकल के वाशी जाके देन मुझे उससे मिलना पड़ता, बट फाइनली वो भी निकला नहीं था जॉब के लिए, तो मुझे साथ में अभी हम लोग यहाँ से दोनों जाएंगे, तो अच्छा मैंने कॉल कर लिया। एंड वाशी का ऐसा है कि वाशी मुझे बहुत पसंद है, बट वहाँ पर मैं जाता नहीं, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए नहीं जाता मैं। सो वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, सो आएगा वो जल्दी, फिर उसके साथ निकलता हूँ, फिर आप लोग को मैं आगे मिलता हूँ। सो वो आ तो गया है, तो मुझे थोड़ा चल के सिग्नल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिग्नल पे रुका हुआ है, तो मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा। सो इस बंदे का चेहरा भी नहीं दिखाने वाला मैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में इसका, इसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन में दे दूंगा। सो पूरा हो गया, अभी मूड ख़राब, मैं इतने प्लानिंग से आया था कि वाशी में हम लोग मैक का लैपटॉप लेंगे, बट सामने वाले की शॉप ही बंद है, तो इतनी प्लानिंग से आया, सोचा आज मैं देख लूँगा, अगर पसंद आया तो ले भी लूँगा, बट सामने वाले का शॉप ही बंद है, तो पूरा प्लान हो गया कैंसिल। सो अभी आ तो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वाशी में, तो सोच रहा हूँ चलो जाके मूवी देखते हैं, पल पल दिल के पास वही एक नवी मूवी लगी है, तो वही एक देख लेते हैं, तो उसका अभी प्लानिंग करते हैं मैक लैपटॉप का, शायद कल या अभी भी नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी तो बीच में टाइम नहीं है, बट लेना तो है मुझे, अगर उसकी कंडीशन अच्छी हुई तो डेफिनेटली मैं ले लूँगा, बट जो मेरा लैपटॉप ख़राब है, देख के अगर अभी टाइम बचा तो लेमिंगटन जाके फिर उसका मैं बनवाता हूँ उसको, अपने लैपटॉप को। सो अभी जाते हैं मूवी देखते हैं, फिर आप लोगों को मैं आगे मिलता हूँ। सो अभी मैं वाशी से जीटी पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बुक माई शो पर मैं टिकट चेक करूँगा, जहाँ पर भी अवेलेबल होगी साइन में आई में, तो दोनों में से एक जगह बुक करूँगा, क्योंकि वाशी में इसलिए नहीं देखा बिकॉज वाशी में कोई शो अवेलेबल नहीं था इसीलिए। सो आप लोगों को मैं सीधा अभी आगे मिलता हूँ। तो आज मेरा इतना बैड लक चल रहा है कि मैं जब वाशी से निकला था तो मैंने देखा था कि 4:15 का एक शो है साइन में, सो अब देख रहा हूँ मैं कोई शो नहीं, साइन में भी शो लास्ट था और मैं यहाँ पे 4:27 को पहुँचा, आईमैक्स में तो शो है ही नहीं। आज का मेरा इतना बैड लक चल रहा है कि ना वाशी में शो मिला, ना ही मेरा साइन में मिला, ना आईमैक्स में मिला, प्लस मेरा लैपटॉप का भी काम हुआ नहीं, तो मैं सुबह लैपटॉप के लिए निकला वो भी मेरा काम नहीं हुआ, एक ही काम हुआ जो लास्ट वीक में मेरा पेंडिंग रह गया था वो हुआ, बाकी मेरा ये दोनों काम भी नहीं हुआ। चलो मूवी तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में भी देख लूँगा, या नेक्स्ट वीक तक रहेगी कि नहीं पता नहीं, तो मूवी में देख लेता हूँ कि शायद कल या परसों नाइट शो देख लूँगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लैपटॉप के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज वो नेक्स्ट वीक में ही जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में जाएगा तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा और अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो काफ़ी स्ट्रेस है वो, कुछ ना कुछ मैं जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा तो वीडियो में डाल नहीं पाऊँगा ये वीडियो, तो काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ। वीडियो में नहीं डालता तो मुझे बहुत इरिटेशन पैदा होती है, क्योंकि वीडियो डालता रहता हूँ, एडिट करता रहता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ लेवल में होती है, बट अभी वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, डाल नहीं पा रहा, तो बहुत इरिटेशन हो रही है मेरे को, पता नहीं तक क्या हो रहा है। तो आज मुझे आप लोग से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बात यह है कि आप में से काफ़ी लोगों को पता, सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो गया है, लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो मैं काफ़ी दिन से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी कैमरा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ पता है। सो मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली देखा था, प्लस मैं काफ़ी दिनों से वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ऐसी है कि आपको पता है कि लोग आजकल टिकटॉक पे फेम पाना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, कुछ भी वीडियो बनाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं।
सो उन लोगों का थॉट ये है कि हमारे पास एक अच्छा फ़ोन होगा, अच्छा कैमरा होगा तो हम फेमस हो जाएंगे, हम बहुत अच्छा हो जाएंगे, हमको फेम मिल जाएगा। तो उसके उसके चक्कर में क्या होता है कि वो लोग अपने फैमिली को फोर्स करते हैं कि मुझे एक अच्छा फ़ोन आईफोन दिलाओ या अच्छा बड़ा DSLR दिलाओ कैमरा। तो उससे क्या होता है कि जिस गाड़ी जाना तो बता सो उससे क्या होता है जिस फैमिली की कैपेसिटी नहीं है वो लोग कैसे आईफोन अफोर्ड कर पाएंगे या बड़ा DSLR कैमरा अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद भी वो लोग अपने बच्चे की ज़िद पूरी करने के लिए लोग EMI पे लेके वो चीज़ दिलाते हैं। सो मुझे उन लोगों से ये कहना है कि देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको मैटर नहीं करता कि आपके पास DSLR कैमरा है या फ़ोन से आप हाई क्वालिटी वीडियो बना रहे हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको फेम ढूंढते ढूंढते खुद आपके पास आएगा। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास ज़रूरी नहीं कि आईफोन हो या DSLR कैमरा हो। लोग करियर स्टार्ट करते तो एक छोटे सी चीज़ से ही स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि सबके पास अच्छी चीज़ें होती है, अच्छा आईफोन या अच्छा DSLR कैमरा होता है। मैंने भी स्टार्ट किया था, फ़ोन से स्टार्ट किया था, बट मेरे पास भी एक DSLR कैमरा बहुत पहले से था तो इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मेरा उन्हीं लोग से ये कहना है कि आप लोग फोर्स मत करो आपकी फैमिली को, आपके फैमिली की कैपेसिटी नहीं तो लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे। एंड ये मैटर नहीं करता कि आप टिकटॉक पे एक छोटे से फ़ोन से बना रहे हो या यूट्यूब पे आप बड़े DSLR से बना रहे हो, एक नॉर्मल फ़ोन भी आपके पास जो है उससे भी आप वीडियो बना सकते हो। बहुत इरिटेट करती है ऐसी आवाज़ है मेरे को। सो आपके पास एक छोटा फ़ोन भी है तो उससे भी आप एक नॉर्मल वीडियो बना के डाल सकते हो। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड मैंने इसमें स्पेशली किसी को टारगेट नहीं किया है, जस्ट एक ओपिनियन है कि आप ऐसी चीज़ें मत करो। काफ़ी फैमिली मिडिल क्लास होती है तो वो लोग काफ़ी सारी ऐसी कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों से मुझे कहना था, अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, बट ये एक ओपिनियन था कि ऐसी चीज़ें ना करो। सो एज आई से, डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम, वर्क मोर एंड मोर हार्ड। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू माई गुड फ्रेंड्स। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं गया है बिकॉज ना लैपटॉप का काम हो पाया ना ही पिक्चर देख पाया। सो देखता हूँ ये वीडियो कब एडिट करके मैं कब डाल पाता हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं, लैपटॉप मेरा ख़राब हो चुका है। तो देखता हूँ टाइम मिलता है तो उसको रिपेयर कराने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप लोग को मैं मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एंड एक और एक चीज़, पता है मुझे वीडियो बहुत छोटी छोटी आ रही है बिकॉज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ इसके वजह से, बट कुछ दिन में वीडियो काफ़ी स्टेबल हो जाएगी, वीडियो बड़ी बड़ी आने लगेगी, क्योंकि आगे आने वाले काफ़ी सारे प्लान है मेरे जो अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। बट ये कुछ पेंडिंग काम खत्म हो जाए उसके बाद आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, वो भी बड़े बड़े। सो थोड़ा सा आपको वेट करना है।